दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल फिनट्रस्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सुंदर दो लाइनों के साथ में। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। तो दोस्तों, ये शब्द है श्री रतन नवल टाटा जी को। इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया इनको जानती है। इनके बारे में कुछ कहना ऐसे होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, आज हमारा वीडियो होने वाला है कि यूएस स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत सारे शेयर्स फॉलो करते होंगे, फिर आपको लगता होगा कि यार ये वाला शेयर इंडिया मार्केट में नहीं है, लेकिन काश हम इसका ये यूएस वाला ये वाला शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इंडियन बैंक अकाउंट, और हाँ, पैसा तो जरूर होना चाहिए। एक लिमिट है $250,000 तक, यानी कि 1.83 करोड़ रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक स्कीम है आरबीआई की, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये अलाउ करती है 1.83 करोड़ रुपीस तक पर ईयर पर इंडिविजुअल। तो दोस्तों, आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, और ये चीजें आपको इंडियन बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि वेस्टेड, विनवेस्टा, जीरोधा, ये ऐसा ही है जैसे कि शेयर खान और एंजल ब्रोकिंग और यहाँ पे बाकी तमाम अप स्टॉक्स, ये सब बहुत आप इंडिया में चलते हैं। वैसे ही ये वेस्टेड, विनवेस्टा, जीरोधा में आप अकाउंट खुलवा के आप डायरेक्टली शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अगर आपको डायरेक्ट शेयर खरीदना हुआ। अगर आपको ये रूट नहीं फॉलो करना, अगर आपको म्यूचुअल फंड का रूट फॉलो करना है, जैसे कि आप ऑलरेडी आप करते होंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी आप करते होंगे, तो वहां पर ये है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फीडर फंड, निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, आईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड का भी रूट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो यूएसडी आईएनआर में कन्वर्जन करना पड़ता है इनको, और काफ़ी बाकी तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये रेट भी ज़्यादा रहता है। बाकी आप एक गौरतलब करने की एक बात है कि आप जब यहाँ पे यूएस स्टॉक्स में बाय करते हैं, तो न केवल आप सिर्फ यूएस स्टॉक में आप अपना पोजिशन बनाते हैं, बल्कि एक आपको यूएसडी आईएनआर का जो भी देखा जाए कन्वर्जन एफएक्स रेशियो है, उसके ऊपर भी आपको एक वो मिलता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर यूएसडी में अप्रिसिएशन होगा, उसमें भी आपका पैसा आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक फोकस करने की बात है। टैक्सेस की बात कर लेते हैं, ये सबके मन में आता है कि टैक्सेस कितना रहेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 24 महीने से ज्यादा रहता है, वो आपको 20% देना होगा जो भी आपका अप्रिसिएशन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 24 महीने से कम, वो आपकी जो भी आपका टैक्सेबल स्लैब है उसमें आपका ऐड होगा वो पूरा इनकम, और वहां पर उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड टैक्स 25% देना पड़ता है, यानी कि अगर 100 रुपए अगर डिविडेंड आपको मिला है, तो 25 रुपए वहां का आपका डीलर ही काट लेगा, आपको 75 रुपए आपको अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है DTAA इंडिया और यूएस के बीच में, यानी कि अगर आपने 25% डिविडेंड में टैक्स दे दिया है यूएस में, तो आप वहां पर इंडिया में जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप भर रहे हैं, अपना ITR भर रहे हैं, वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा ये फॉरेन क्रेडिट्स है, मैंने 25 रुपए वहां पे टैक्स भर दिया है यूएस में, वो आप शो कर सकते हैं और वो आपको यहां पर आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, यानी कि आपको फायदा हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।